जब से मैंने गेम में नाम चेंज करके पायल गेमिंग किया है तब से भाई रिएक्शन बहुत तगड़े आए हैं रैंडम्स की तरफ से, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो रैंडम मुझे गाली देने लगता है। अबे पायल गेमिंग। बट सबसे पहले आप ये पैन वाला क्लच देखो और उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब दबा देना। और बताओ भाई लोग कैसे हो। मैं गुरु आ गया हूं एक नए गेम प्ले के साथ। एंड यार फाइनली जाकर आज तुम्हारा भाई अपने आईडी से खेल रहा है काफी दिनों के बाद। इससे मैंने यार 2 से 3 गेम प्ले ही रिकॉर्ड करे थे आई थिंक, उसके बाद मैंने अपने आईडी से खेला ही नहीं है ना। मैं सिर्फ अपने भाई की आईडी से ही खेले जा रहा था बहुत दिनों से, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ चुका है जो कि मैं आज अपनी आईडी से ही खेल रहा हूं। बाकी ये भी गाइस गेम प्ले रैंडम का ही है। अब देखो यार नंबर 4 जो टीममेट है वो मेरा खुद का टीममेट है। हम दोनों ने भाई ऑटो मैचिंग ऑन करके गेम को स्टार्ट कर दिया था। बाकी यार देखो यार आप लोगों ने इंट्रो वगैरह तो देख लिया होगा, सब कुछ समझ लिया होगा कि आज होने क्या वाला है इस मैच के अंदर। अब देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही भाई रैंडम्स हैं, बट यहाँ जो नंबर 2 है भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है कि लड़की मेरे से अच्छा कैसे खेल रही है। और मेरी स्किनें देख के तो भाई और ज्यादा सड़ती है, मन ही मन में बहुत ज्यादा ये सड़ने लगता है और मेरे को भाई गालियां वगैरह भी देने लगता है। बाकी ये वाला सीन आपको वीडियो के बीच में देखने को मिलेगा जब ये नॉक खाएगा, तो अभी इसका माइक भाई ओपन नहीं होने वाला है। अब देखो यार मैं उतरा था पोचिंकी में भाई साहब मैं लूट वगैरह कंप्लीट कर रहा था इधर, और स्क्वाड तो भाई साहब बहुत सारी उतर रखी है पोचिंकी में। आप लोग गनों का साउंड सुनकर यार समझ गए होंगे। बाकी यार पोचिंकी की साफ सफाई करना तो तुम्हारे भाई का काम है। लूट वगैरह कंप्लीट हो गई है, चलते हैं भाई बंदों के ऊपर। अब यहाँ इस घर में जैसे ही आया तो मुझे भाई विंडो से सामने वाले घर पे एक बंदा दिख गया था। उधर से तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, सीधा भाई घर से छलांग मार के सीधा इस बंदे पे घुस जाता हूँ। I got supplies. मुझे यहाँ M249 रिलोड करने का साउंड आया था तो मुझे लगा भाई इसी बंदे पे M249 होगी तो इसका फायदा उठाते इस बंदे पे रश मार देता हूँ, लेकिन भैया जी के पास M249 नहीं थी, ये कोई और ही बंदा है। खैर उस बंदे को खत्म करते ही मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि ऊपर की ओर से भाई एक बंदे का भाई साउंड आ रहे थे। अब यार सही बताऊं तो मुझे लगा M249 रिलोड करने वाला बंदा ये वही था जिसको मैंने अभी निपटाया, बट ये वो बंदा नहीं था भाई। पता नहीं किसने रिलोड करी थी उस जगह पे M249। बाकी यार यहाँ पे भाई अब देखो इस वाले मैच में सीन ये होने वाला है ना भाई साहब, हेल्थ की बड़ी कमी पड़ने वाली है भाई, मुझे भीख मांगनी पड़ती है बार बार। अब यहाँ भाई भारी सीन हो चुका था, मेरा टीममेट यार नॉक, बाकी आगे से बंदा एक पुश कर रहा है, मेरे पास हेल्थ भी नहीं है। यहाँ सही बताऊँ ना तो मरते मरते बचा भाई, मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी। बाकी यहाँ पे भाई साहब इसके पेटी से जल्दी से हेल्थ किट उठाता हूँ, लगा लेता हूँ। बाकी ये वही M249 वाला बंदा था जो कि रिलोड कर रहा था, फाइनली ये बंदा मिला। बाकी भाई जल्दी से टीममेट को रिवाइव करते हैं और सामने की ओर कुछ फायर्स आ रहे हैं उनके ऊपर चलेंगे जल्दी से। अब यहाँ भाई रिवाइव वगैरह कंप्लीट हो गया था, ड्रिंक वगैरह भी मैंने लगा ली थी। बाकी भाई इतने में ही मेरे को सामने वाले घर से एक फुट साउंड आया, इसके लिए मैं भाई एक ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, बट इससे कुछ होता नहीं है। सोचा दूसरा ट्राई करूं लेकिन भाई ये तो स्मोक था, कैंसिल करता हूं और सीधा जंप कर देता हूं। और जैसे ही इस भाई ने खोपड़ी दिखाई सीधा ही तुम्हारे भाई ने खोपड़ी फोड़ दी इसकी। बाकी भाई इसको फिनिश करने के लिए आता हूं इस तरफ। अब इसको मैंने जैसे ही फिनिश किया भाई सामने वाले घर से मेरे को यूजी चलाने का फायर आता है, और ये जो बंदा है ना भाई फायर दे रहा है इस बॉट के ऊपर जो कि मेरे घर के नीचे है जस्ट। यहाँ मैं वेट करता हूँ कि ये बंदा खोपड़ी दिखाए तो इसकी मैं खोपड़ी फोड़ दूँ। और यहाँ फाइनली ये बंदा खोपड़ी दिखाता भी है, तुम्हारा भाई खोपड़ी फोड़ता भी है बट वो नॉक नहीं होता है, डैमेज होता है खाली। और डैमेज देते ही भाई सीधा इस बंदे पे यार पुश मार देता हूँ।
यहाँ जैसे ही पहुंचा भाई इधर बहुत सारे फायर आ रहे थे और एक बंदा भाई रिकॉल होकर ही जस्ट जम किया नीचे की ओर और एक बंदा ऊपर कैम कर रहा है तो इसको तो पहले निपटा देते हैं। बाकी भाई मैं ऊपर की ओर आता हूँ जल्दी से और हेल्थ वगैरह कंप्लीट करता हूँ। बाकी भाई सामने और भी बंदे हैं जिनको भाई निपटाना है। अब यहाँ भाई हेल्थ वगैरह कंप्लीट करते ही सीधा इन बंदों पे घुस जाता हूँ मैं। अब इनको जैसे ही खत्म किया सामने एक ब्रोकन वॉल पे बंदा आता है। और इसका किल मेरा टीममेट ले जाता है। बाकी एक और बंदा था जो कि सामने की ओर था जस्ट। और इसका भी किल भाई हमारा नंबर वन टीममेट ले जाता है। बाकी अभी मेरे को एक बंदे का किल नहीं आया था यार जिसको मैंने नॉक किया था। तो चलो उसको फिनिश करते हैं सामने ही है जस्ट वो। तो अब यार हमको लगा भाई इस बंदे के साथ ही भाई हमारा जो पोचिंग की पूरा क्लियर हो गया। हम लोग भाई गाड़ी लेकर निकल रहे होते हैं कि भाई एक और बंदा मिल जाता हमको। अब मैं भाई इस जगह पे आता हूँ। इस जगह पे जैसे ही आता हूँ तो इसके फुटसाउंड मेरे को आने लग गए थे और ये बंदा भाई जस्ट यहीं पे ही कैम कर रहा है। अब इसके लिए मैं एक ग्रेनेड वगैरह कुक करता हूँ और भाई फेंक देता हूँ और फाइनली ये बंदा पड़ जाता है। और हमको लगा भाई अब भाई जाके पोचिंग की क्लियर हो गई लेकिन नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। अब यहाँ भाई मुझे सामने की ओर से जस्ट साउंड आने लग गए थे तो मैं इस तरफ ही बढ़ता हूँ। और ये भाई साहब बेचारे अभी अभी रिकॉल होके आए थे इसके पास यूजी थे बेचारे के पास। और अब भाई पोचिंगे से गाड़ी लेकर सीधा निकल लेते हैं और इतने में भाई वापस से पोचिंगे की साइड से फायर आते हैं तो वापस हम लोग चले जाते हैं उसी तरफ। Watch out. Get in the car. तो बस भाई यहाँ पे का मामला खत्म। सामने की ओर कुछ बंदे लड़ रहे थे जिसके ऊपर अपन थर्ड पार्टी कर देते हैं जिनमें से एक ही बंदा बचा हुआ था और उसका किल भी मेरा टीम मिल जाता है। बाकी भाई एक बंदा नॉक पड़ा था जिसका तो किल मैं ले ही लेता हूँ। बाकी भाई अब इधर से निकलते बनते हैं। तो अब जाके भाई फाइनली हमारे 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं एंड भाई अब जाके हमारे रैंडम भाई साहब का माइक खुलने वाला है। क्यों खुलेगा वो भी आपको आगे पता चलेगा। अब इधर भाई बहुत सारे फायर आ रहे थे ऑलरेडी। ये भाई गोली कहाँ से पड़ी मुझे पता था ही नहीं लगा। बस जो नॉक पड़ा था उसको मैंने फिनिश किया। अब यहाँ भाई सही बताऊं तो बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था। और इधर की ओर भाई मेरे पास हेलकिट वगैरह भी नहीं थी। जल्दी से मैं अपने टीममेट से हेलकिट मांगता हूँ, हेलकिट लगाता हूँ और उसके बाद देखना अभी रैंडम का माइक भी खुलेगा। Excellent work. With the tile gaming. Mar. खैर यहाँ इस बंदे को जैसे ही ख़त्म किया मुझे एक बगी आने का साउंड आता है इधर की ओर से। और भाई जितनी भी इस रैंडम ने गालियाँ दी मैंने सारी बिप मार दी। वो इसलिए क्योंकि पता है आप लोग को यार यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या तो वीडियो ही डिलीट कर देता है या तो सीधा चैनल ही उड़ा देता है। तो भाई डर लगता है ना। खैर यार जो बगी वाला बंदा है जस्ट सामने की ओर ही था।
और यहाँ देख रहे हो अभी भी भाई साहब को गालियाँ दे रही है मुझे। भाई अब मेरी वहाँ पे क्या गलती थी भाई, अब सिचुएशन ही ऐसी थी उसको बचा नहीं पाया, इसका मतलब क्या भाई गाली दोगे। वाह भाई आप खुद समझ सकते हो भाई कितनी गंदी सिचुएशन थी वहाँ पे, भाई बचना भाई मेरा खुद का मुश्किल था तो मैं उसको क्या बचाता। अब यहाँ जैसे टेरिस पे आना तो मेरी नज़र पड़ती है भाई सामने की ओर कुछ बंदे लड़ रहे थे ऊपर। खैर भाई ऊपर रोजोक वाले बंदों के ऊपर इतना नज़र नहीं डालता हूँ क्योंकि इधर से कुछ होना ही था। और इतने में ही भाई मेरे को एक और बगी आने का साउंड आया और एक बगी वाला बंदा तो भाई इधर ही है जस्ट नीचे की ओर। खैर यहाँ भाई इन दोनों बंदों को तो भाई बड़े आराम से मैं निपटा देता हूँ, बाकी अभी भाई रोजो की तरफ कुछ बंदे हैं उधर से फायर आ रहे हैं तो भाई चलेंगे अब उनके ऊपर। खैर यहाँ भाई हैकर वाला स्प्रे तुम्हारे भाई का, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना। बाकी गाइस इसको नॉक कर दे सीधा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि भाई सामने जस्ट एक रेड वाले घर पे बंदा है। अब इसके लिए मैं एक ग्रेनेड कुक यहीं से ही कर लेता हूँ। मार्क्ड अ लोकेशन और लो भाई बूम बंदा खत्म। बाकी गाइस जिसको मैंने सामने की ओर M4 से नॉक किया था उसका मेरे को किल नहीं आया, मतलब वो यार रिवाइव हो गया होगा, तो चलते हैं अब उसी के ऊपर। और भाई इधर के साइड का तो पूरा मामला खत्म हो जाता है। और भाई सामने से किसी ने AMR चलाई थी भाई, ड्रॉप वगैरह से ही लूटी होगी क्योंकि ड्रॉप सामने आया है, तो अब सीधा मैं ड्रॉप के साइड ही बढ़ लेता हूँ। अब यहाँ जैसे ही पहुँचाना तो सामने की ओर किसी ने स्मोक कर रखे थे और मेरी नज़र नीचे की ओर पड़ती है और इधर देखना ये बंदे को भाग रहा होता है। अब यहाँ पे सही बताऊँ तो मेरी नज़र दूसरे वाले बंदे पे भी थी, दूसरा वाला बंदा भी मेरे को दिख गया था, मैं सोचा उसको भी नॉक दूंगा, बट इतने में ही भाई मेरे को पीठ पीछे किसी ने वार किया। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेल्थ लगाता हूँ और हेल्थ लगाते ही अब बढ़ जाता हूँ भाई सीधा उसी बंदे पे और ये रिवाइव दे रहा होता भाई अपने टीम मेट को। awesome. अब यहाँ भाई इन दोनों बंदों को तो बड़े आराम से निपटा दिया, बाकी अभी कुछ बंदे भाई सामने वाटर सिटी पे हैं एंड पूरा मामला भाई वाटर सिटी के साइड ही खत्म हो जाएगा। अब एक्चुअली में सीन क्या होता है, यहाँ पे भाई मुझे गाड़ी चाहिए थी और पीछे जोन भी आने वाला था। अब मैं जो नंबर 2 टीममेट भाई गाड़ी लेकर आया उसके ऊपर स्मोक करके भाई गाड़ी को हटा लेता हूँ जल्दी से। अब यहाँ यार ये जो वाटर सिटी वाले बंदे हैं भाई साहब, भाई मतलब गंदा ही फेल रहे थे यार, गोलियां वगैरह चलाई जा रहे थे। मैं क्या करता हूँ भाई अपनी गाड़ी लेते ही सीधा भाई स्क्वाड हाउस के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ स्क्वाड हाउस के ऊपर आते ही मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा होता हूँ सामने की ओर और भाई साहब इतने में ही कोई पीछे से मेरे को वार करता है। और यहाँ भाई मैं जल्दी से नीचे की साइड आता हूँ, जल्दी से बैंडेज वगैरह करता हूँ, बाकी जिसने मेरे को पीठ पीछे वार करके दिया था वो बंदा जस्ट सामने मेरे को लेटा हुआ दिख जाता है। और भाई अब बारी है इस बंदे की बजाने की, तो चले इसके 12 बजाते हैं। Awesome. और ये लगा हेडशॉट और बंदा खत्म। अब भाई कुछ ही बंदे बच रहे थे जो कि भाई वाटर सिटी की तरफ से ही फायर आ रहे थे, तो मैं समझ गया उधर ही बंदे होंगे। और भाई यहाँ पे जल्दी से ड्रिंक वगैरह करता हूँ और भाई जोन भी पीछे आने ही वाला था जस्ट, तो भाई मैं गाड़ी लेता हूँ और निकल लेता हूँ इधर से। और अब भाई यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे बच रहे थे जो कि सामने की ओर ही थे। और भाई देखो अब एक बंदा भाई सामने पत्थर पे आएगा, अब क्या सीन होगा ना देखना आप। और वो बंदा भाई लेट के फायर देता है और मैं नॉक भाई, और इतने में ही एक बंदा भाई लेफ्ट की तरफ से भी आ जाता है। और ये भाई साहब कब आए इसके बारे में कोई ऐसा पता नहीं है। खैर गाइस आज भी चिकन नहीं मिल पाया, सॉरी यार ऐसा ही हो रहा है आजकल, क्या करें। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट और एक अमेजिंग से गेम प्ले वीडियो के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय टाटा।